रही है इत्थे आए हैं, मैं चाहूंगा इत्थे आ जाण मेरे नेड़े, क्योंकि अज बुद्ध सिंह जी उरां दा करजा इन्हां दे घर जाके एक कोटली सूरत मलिया पिंड तो ने डेरा बाबा नानक हलका इन्हां दे घर जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेड़ा करजा माफी दी स्कीम सी कि करजा कुरकी खत्म फसल दी पूरी रकम इन्हां दे घर जाके शुरू कीती सी। इन्हां दे एमएलए ने हर घर च जाके नौकरियां दे ते करजा माफी दे फार्म भरवाए सन ते अज दो साल बीतन तो बाद, दो साल बड़ा लंबा समा हुंदा, दो साल दे समय तो बाद मैं सड़क ते निकलिया ते मैं धन्नवादी हां उन्हां नौजवानां दा। अज जिहड़ा इन्हां दे हलके दा वजीर है वह कारपोरेशन दा भी वजीर है, जिन्हां ने कारपोरेट सैक्टर दे कोऑपरेट महकमे दे आ लोन माफ करने हुंदे आ। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि जिस दिन मेरी सरकार बन जू, इन्हां दे घर च कह के गए सन कि तेरा बोझ मैं चुकिया, तेनू कोई किश्त मोड़न की लोड़ कोई नहीं, ते सारे कर्जे ते लीक मार देंगे, 90,000 करोड़ का कर्जा भावे वह दलित भरावां दा, भावे वह खेत मजदूरां दा, भावे वह किसानां दा। दो साल बीत गए, आ बेचारा गवांडी पिंड है सुखजिंदर रंधावे का, कोटली सूरत मलिया धारोवाली तो वजीर बनिया, कारपोरेशन का वजीर सी, ग्रामीण बैंक का लोन माफ करना सी, वो लोन माफ नहीं किया। हालात ये बने कि बुद्ध सिंह वर्गे हजारा किसान कई खुदकुशी कर गए ते कई डिफॉल्टर हो गए, कईयां दे कर्जे वध गए, कईयां नूं कुरकी हो गई। अज मैं धन्नवादी हाँ सुखी रंधावे नूं, मैं तां सोचिया मैनू वधाई दऊ कि मेरे तो तां कर्जा माफ नहीं होया, साडे खौती कैप्टन कोलों कर्जा माफ नहीं होया, ते जे कर्जा माफ करन आलिया दा धन्नवाद तां की करना सी, कहिंदा इनक्वायरी कराउणी है। जा सुखिया तैनू मजीठिए दा चैलेंज है कि ऐ कर दे करवा इनक्वायरी, तैनू बुद्धसिंह दे दर्द तां महसूस होया नहीं, इनक्वायरी कराउणी है ते एक एक पंजाब दे नौजवान दी इनक्वायरी कराउणी पऊगी, क्योंकि मैं धन्नवादी हाँ सरदार बुद्धसिंह दा 3,86,000 करोड़ का जेड़ा कर्जा मोड़िया, उहदे च किसे नौजवान ने रुपया भी पाया, किसे ने 10 रुपए पाए है, किसे ने 100 पाए है, किसे ने 500 पाया, किसे ने 1,000 पाया। 12,000 पिंडा चो वख वख नौजवानों ने योगदान पा के इस बुद्धसिंह का कर्जा माफ किया है। कीता क्यों? क्योंकि कर्जे माफी की शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इहदे घरों कीती सी, ते एक मैसेज भेजना सी सुती कांग्रेस नूं कि जेड़ा तेरा राहुल गांधी है वह कहिंदा जी पंजाब का मॉडल सारे हिंदुस्तान च लागू करना है। मतलब कि जिवें पंजाब दे किसान ठगे सन, जिवें पंजाब दे किसानां नाल धोखा कीता, ओह मॉडल सारे देश च लागू करना है। छे किसान मध्य प्रदेश दे पूरे हो गए, राहुल गांधी उन्हां दे डेथ दे मौके ते भी गया, ते जद उन्हां दी पहली बरसी सी उदों भी गए। मैं धन्नवाद करदा इत्थे बैठण दी कृपालता करो यार, जी आया नूं थैंक यू, बह जाओ 2 मिनट। ते जदों 6 किसान पूरे होए, राहुल गांधी कोल मध्य प्रदेश जाण दा टाइम सी, मगर पंजाब दा अज 700 तों वध किसान खुदकुशी कर गया, ते राहुल गांधी कोल उहनां 700 किसानां दे परिवार दा पता लैण दा समा ही नहीं मिलिया। इन्हां ने सरदार बुद्ध सिंह जी, पता नहीं शायद तुसी भी गए होने जिस दिन पहला प्रोग्राम कीता सी,
पहला प्रोग्राम जदों कर्जा माफी का किया तो मानसे जिले तो उसकी शुरुआत की ते उथे गीत दसा केड़ा सुनाउंदे सी ओ पहूता बेचारा चंगा गुरदास मान ओ भी मजबूरी बस पहुंचिया सी मगर ओ तो गीत गाउंदे सी इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं तेरे इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं। लोकी खुदकुशी करी जांदे आ परिवार दे परिवार उजड़दे जांदे आ ते कांग्रेसी उथे इश्क दा गिद्दा पाउंदे फिरदे सन। फिर श्री मुक्तसर साहब की धरती ते अगला पड़ा पहुंचिया कर्जा माफी का ते मेरे वीरो उथे ए नहीं वेख्या कि श्री मुक्तसर साहब की धरती ते आए हैं उस इलाके च आए हैं जिथे साडी गलत पॉलिसिया करके किसान खुदकुशी वधी है घटी नहीं है ते उथे केड़ा गीत सुनाया ओ शहरी मान का गीत सुनिया ना कहिंदे लाके दो पैग वलीए केड़ा गाना के मैनू तो पूरा आउंदा नहीं जिन्हों आउंदा सुना दे माड़ा जा आओ सुनाउंदे सी किसानां नूं कि लाके दो पैग वलीए ते उत्तों कहिंदे सी करजा माफी। मेरे वीरो इन्हां मुश्किलातां नूं वेखदिआं मैं धन्नवादी अज पंजाब दे नौजवानां दा ते थोनू मैं बेनती भी करन वास्ते आया कि आपां भले दे कौस च चंगे कौस च कोई दिहाड़ी का दस रुपए का भी योगदान पावे ते मैं समझदा जेड़ा गरीब की गल सुनूगा जेड़ा गरीब की बाह फड़ूगा ते फिर सच्चे पातशाह भी थोड़े नौजवानों की बाह फड़नगे। इसलिए जिन्हां नौजवानों ने आ भले काम दे शुरुआत च आ बुद्ध सिंह वर्गिया की बाह फड़नी शुरू की है मैं दिल दिया गहराइया चो ना नौजवानों का धन्यवाद करदा सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया। मैं एक अखबार लेके आया क्योंकि वो दूजा मसला थोड़े नाल है आ कैप्टन अमरिंदर सिंह दा इश्तिहार आया इहदे च इश्तिहार वाली दे मैनूं इहदे च इश्तिहार च लिखिया कि असी 1,13,000 नौकरी आ देण दा काम कीता वेख लो 1,13,000 नौकरी कहिंदा असी देती है दो सालां च ते एक जगह बयान दिंदा कि असी 650 नौकरी एक दिन दी दिंदे आ 3.5 लाख नौकरी देती है ते मैं हैरान हो गया कि जेड़ा टीवी नाल बोल के बयान दे रहा वह सच्चा कि जेड़ा इश्तिहारा च दे रहा वह सच्चा ते असलियत सुन लो की है सारा कुल मुलाजम पंजाब दा किसे नूं पता किन्ना 3.25 लाख 3.25 लाख कुल मुलाजम है पंजाब दा ते कांग्रेसी की कहिंदे सी घर घर नौकरी देवांगे पंजाब दा घर किन्ने है 55 लाख घर है हर घर च किसे नौजवान नूं नौकरी मिली है ते माड़ा जिहा हत्थ खड़ा कर दिओ थोड़े भी चरण धोण वाले आ कि थोनू कैप्टन ने नौकरी देती है कोई इत्थे पंडाल च आ नौकरी तां की है मौजूदिया नूं तनखावा नहीं मिलदियां मौजूदिया की तनखावा मुक गया ते घर घर नौकरी की देनी सी अज हैरान हो गए फिर नारा लाता जब तक नौकरी नहीं आऊ ते 2,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देवांगे वह भी कम मुक गया वह भी ना मिलिया फिर कहिंदा जब तक वह ना मिलू आ जा मोबाइल आ दई भरा इन बाद च घुमा ली अज मैनू दिखा यह जा मोबाइल दे के देवे आ मिल गए जी मोबाइल मैं वंडे सी हुण ते उहदे च असी जिहड़े मोबाइल वंडे आ ना ते कांग्रेसियां नूं देण वाले आ उहदे च भावें इंटरनेशनल फोन मिलाउणा वह भी फ्री देता सी मेरे न्याणे लई भज्जे फिरदे ओ मोबाइल माड़ा जिहा बटन नप्पो पता नहीं होर ही आवाज जी निकलदी उहदे ते ते ओहो जे मोबाइल तो मिल गए नौजवानों नूं नकली कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोबाइल दे दर्शन नहीं होए हले तक ते कदे लै भी ना लियो मैनूं पता लग्गिया चाइनीज माल आ रहा है इत्थे माड़ा जिहा हैलो कीती नहीं कि उत्थे पटाका पिया नहीं होर कदे कन्न भी नूं सेक करा लियो कन्नां नूं सेक दूगा ओहो जे मोबाइलां दे चक्करां च ना पियो कहण दा भाव आ 2 साल हो गए इन्हां दे वजीर की करदे फिरदे आ एक कहिंदा बाजवे नूं मुख्यमंत्री बना दिओ दूजा कहिंदा नहीं ओ ठोको ताली नूं बना दिओ मुख्यमंत्री तीजा कहिंदा नहीं ये दोवें माड़े आ किसे होर नूं बना दिओ कोई कम नहीं
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚ ਬੜੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦਬੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੀਓ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਬਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਰੀਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, 50% ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾ ਰਿਆ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ? ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਲਵਾ ਲਓ ਇਹਦੀ, ਸੌਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੱਜੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਟੋਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜੂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਰ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਹ ਦੁਆਬੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਸੀ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।